भाई उमर है याद महल किधर है? उस वक्त इस महल में 4 लाख रुपए लगे थे। तो फाइनली व्यूअर्स आपका भाई सरगोधा से 51 किलोमीटर की राइड करके वापस चनेट आ गया। ये देखें चनेट के पहाड़, खुश्क पहाड़ हैं ये भी। ये देखें ये सामने है, ये इधर है। अब आपको चनेट के हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं सबसे पहले जाऊँगा उमर महल, बहुत पुराना महल है यहाँ, वो जाके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। उमर हयात महल किधर रह गया भाई, किधर रह गया? उसकी मैंने लोकेशन नहीं लगाई, ऐसे ढूंढ रहा हूँ भाई। उमर हयात महल किधर है? फाइनली मैं पहुंच गया उमर हयात महल। अच्छा, उमर हयात महल की हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बताता चलूं। 1921 में उन्होंने 14 मल्ले ज़मीन लेके ये महल शुरू करवाया था, तो उस वक्त 4 लाख रुपए लगे थे इस महल पे। इंडिया में कलकत्ता में उनका कारोबार था और चनेट उनका आबाई शहर था और चनेट से उनको बड़ी मोहब्बत थी, तो वो महल तमीर करवाने के कुछ अरसे बाद फौत हो गए। गुलजार हयात की डेथ के बाद जो उसकी वालदा थी, उमर हयात की जौजा थी, वो कहने लगी कि जिसके लिए ये महल बनाया था अगर वो ही नहीं रहा दुनिया में, इस महल का हम क्या करेंगे। और उन्होंने गुलजार हयात की कब्र जो इस महल में बनाई, ये देखें ये गुलजार हयात, ये देखें गुलजार वल उमर हयात, ये गुलजार हयात की कब्र है और उमर हयात की वो जौजा है, उनकी भी डेथ होगी और उनकी कब्र भी इधर ही है। तो उस वक्त इस महल के 4 लाख लगे थे। उसके भाई बता रहे हैं कि आज के हिसाब से ये तकरीबन 4 अरब वैल्यू बनती है। का जो वो बेडरूम था, ये नीचे जो पत्थर लगा हुआ है फर्श पे, यूरोप से इंपोर्ट किया गया था। आप देख सकते हैं छत के ऊपर यू और एच लिखा है, गौर करें। ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, छत के ऊपर यू और एच लिखा है, ठीक है। यू एच उमर हयात का लोगो था, ग्रीन जो एच को जाहिर करता है और वाइट है वो यू को जाहिर कर रहा है, ये देखें। अब इन्होंने मीटिंग रूम बना दिया, ये पहले ये उनका बेडरूम था, उन्होंने बेसमेंट बनाई थी। इधर आए मैं आपको, ये देखो ये बेसमेंट है। उस वक्त वो लोग यहाँ अपना कीमती सामान रखा करते थे, अब तो पता नहीं ये क्लीन वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना ये लाइब्रेरी बना दी है गवर्नमेंट ने, ये लाइब्रेरी बना दी है, ठीक है, ये सारा कवर कर दिया है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ चेक करें, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट, बॉलीवुड की फिल्मों में होती हैं, देखें वो कैसे गीजर इस्तेमाल करते हैं। ये उनका गीजर था, तब का गीजर था,
यहाँ पानी डालते थे यहाँ से, यहाँ से पानी डालते थे और यहाँ से लगाते थे आग नीचे से लकड़ियाँ, और यहाँ से धुआं निकलता था। ये देखिए ये टैंकर बने हुए हैं, चेक करें आप। ये दियार की लकड़ी है, ये अंदर जाली है, ये लोहे की है। अच्छा, ये ऊपर वाली मंजिल के लिए गौसल खाना है, ये कुआं है और ये वाशरूम। ये चेक करें, ये वाशरूम चेक करें आप। ये फर्स्ट फ्लोर है, जिस रूम में खड़े हैं रूम है गुलजार हयात का, उनके बेटे का रूम है। तो चेक करें आप, सीलिंग चेक करें कैसी है। ये देखिए ये कलर जो तकरीबन कॉपर सिल्वर और ये ग्रीन ग्रीन बॉर्डर दिया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त कलर है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये तब अच्छा, इस खिड़की का डिज़ाइन चेक करें आप, ऐसे जैसे तितली पर खोलती है। ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाया, इस तरह बनाया कि जैसे तितली पर खो रही है। कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये सारा जो लकड़ी का काम है बहुत ज़बरदस्त काम है। वो सामने वो भी वुड का काम है, वो ऊपर इसकी सीलिंग भी चेक करें आप। अच्छा, ये चेक करें। अच्छा, इसकी कलर स्कीम चेक करें कितनी प्यारी है। ये लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और सिल्वर। सारे खुश्क हो गए, इतना पानी था सारा पी लिया। बस हो गई यार, हाइट चेक करें आप। बस टॉप पे पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ा सा रह गया। टॉप पे बैठ के फिर आपको मैं चनियोड़ की हिस्ट्री बताता हूँ। ये व्यू चेक करें, वो देखें वो दरिया है, ये ब्रिज चेक करें आप। ये सामने सड़क है, ये सरगोधा से आ रही है सड़क, ये सरगोधा रोड है सामने। इस तरफ सरगोधा है और इस तरफ जाती है चनियोड़ फैसलाबाद की तरफ। अच्छा, मैं आपको चनियोड़ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। इसकी जो वजह तस्मी है वो बड़ी दिलचस्प है। चंद्र मौर्य की रानी यहाँ इस इलाके में शिकार खेलने के लिए आया करती थी, तो उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो मर्दों के बेस में शिकार खेलने के लिए आया करती थी। तो चनियोड़ को जो ज़िला का स्टेटस है वो 2009 में मिला है। तो टॉप पर खड़ा हूँ, ये टॉप व्यू है, चेक करें आप। ये सामने देखें वो ट्रक है, वो रेत ले कर जा रहे हैं। तो अब मेरी वापसी है फैसलाबाद की तरफ, अपने घर की तरफ वापसी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दें, और जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।